इंदौर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की व्यापक तैयारियां जारी हैं। मतदान के लिए मतदान दलों के गठन की प्रक्रिया के साथ मतदान दलों में नियुक्ति किए जाने वाले पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण का सिलसिला भी कल से प्रारंभ हो गया है। इंदौर में मंगलवार को दूसरे दिन भी प्रशिक्षण कार्यक्रम होलकर साइंस कॉलेज में जारी रहा, जहाँ पहले दिन 1500 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं आज भी बड़ी संख्या में कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें नियुक्त किया जाने वाले पीठासीन और मतदान अधिकारी क्रमांक एक को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। होलकर साइंस कॉलेज में दो चरणों में सुबह और दोपहर को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे इन कर्मियों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पंचायत चुनाव संबंधी नियम और निर्देशों की जानकारी दी गई, साथ ही निर्वाचन संबंधी नियम और कानून भी बताए गए। साथ ही उन्हें मतदान पेटी से मतदान कराने की प्रक्रिया भी समझाई गई। उन्हें मतदान केंद्र पर ही मतगणना कराने का भी प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि वे नियम और निर्देशों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर लें, इसके अनुरूप ही मतदान और मतगणना करवाएं। वहीं दोनों ही दिनों को मिलाकर करीब 4000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें हम लोग जो हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के तहत जो निर्वाचन हो रहा है, उसके लिए अभी पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक एक के प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है, जो होलकर साइंस कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें चल रही है। और जैसा कि विदित है कि ये पूरा चुनाव जो है मतपत्र और मतपेटी के आधार पर होगा, तो जो भिन्न भिन्नताएं हैं, जो ईवीएम से जब हम चुनाव कराते हैं और अब जब मतपत्र और मतपेटी से चुनाव कराएंगे, उसके इंट्रिकेसीज को हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर बता रहे हैं। और इसके बाद फिर नगर निगम का भी चुनाव होगा, उसके लिए पृथक से प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, लेकिन ये जो हमारा फोकस है वो हमारा पंचायत राज व्यवस्था के लिए है, जिसके लिए कि अभी प्रशिक्षण की कार्रवाई चल रही है। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मंगलवार को धूमधाम से मनाई जा रही है। शहर का हृदय स्थल राजवाड़े पर गौरव महोत्सव के तहत शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान माँ अहिल्या को माल्यार्पण करने के लिए होलकर घराने से लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ ही हर समाज की महिलाएं टोली बनाकर माँ अहिल्या को नमन करने पहुंची। भाजपा नगर अध्यक्ष सहित मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय भी अहिल्याबाई की प्रतिमा का पूजन करने पहुंचे। साथ ही होलकर राज परिवार के उदय राव होलकर ने भी राजवाड़ा पर अहिल्याबाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। राजवाड़ा पर शासकीय संगीत महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मराठी परिधान पहनकर गीत सुनाए, तो बड़वाह के कलाकारों ने गणगौर नृत्य किया। इसके साथ ही गुजरात, बिहार, राजस्थान से आए कलाकारों ने भजनों और नृत्य की प्रस्तुति दी। बैंड कलाकारों ने अहिल्याबाई की प्रतिमा की परिक्रमा करते हुए यशवंत निवास रोड पर शोभा यात्रा का समापन किया। वहीं बड़ी संख्या में हजारों लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। बता दें कि शाम को गौरव दिवस का मुख्य कार्यक्रम नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। लोक माता अहिल्या देवी के चरणों में आज हम सभी अपना पुण्य समर्पण अर्पित करने आए हैं। लोक माता अहिल्या देवी की कृपा हमारे इंदौर पे ऐसी ही बनी रहे, आज उनकी जयंती पे उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ। माँ अहिल्या का जन्मोत्सव इंदौर ही नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश के लिए एक गौरव का अद्भुत दिन है। उनके पावन जीवन से हम राजनीति को समाज सेवा का सशक्त माध्यम बनाए। हम सबको ये प्रण करना चाहिए समाज परिवर्तन के लिए, सामाजिक समरसता के लिए माँ ने जो पावन काम किए, हम सब उसको अपने जीवन में उतारते हुए इस देश को विश्व शक्ति जगत गुरु भारत बनाने की ओर ले जाए। प्रदेश में शुरू हुई चुनाव प्रक्रिया के चलते सोमवार से नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इंदौर जिले में जनपद और पंचायत के लिए होने वाले चुनाव का नामांकन दाखिल करने पहले दिन एक भी प्रत्याशी नहीं पहुंचा, जिसकी वजह कहीं न कहीं अमावस्या को माना जा रहा है। दरअसल लंबे इंतजार के बाद प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के साथ जनपद और जिला पंचायत के चुनावों को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं सोमवार से पूरे प्रदेश में नामांकन दाखिल करने का दौर भी शुरू हो चुका है, लेकिन इंदौर जिले में पहले दिन में एक भी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचा। हालांकि नामांकन दाखिल करने के लिए 6 जून तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, लेकिन पहले ही दिन एक भी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करने ना पहुंचना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं सोमवार के ज्योतिषी संयोग की बात करें तो कल भले ही सोमवार भगवान शिव का दिन था, लेकिन सोमवती अमावस्या को भी नामांकन दाखिल ना करने की वजह माना जा रहा है,
क्योंकि आमतौर पर लोग अमावस्या के दिन कोई भी शुभ काम करने से गुरेज करते हैं। वहीं पहले ही दिन नामांकन दाखिल ना होने को लेकर जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि पहले दिन किसी विशेष संयोग होने के कारण लोग नामांकन दाखिल करने नहीं पहुंचे थे, लेकिन आगे के दिनों को उम्मीद है कि व्यवस्था अनुरूप प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सब मानते हैं कि कल कुछ दिन विशेष था और उस दिन नामिनेशन पेपर लोग नहीं भरते हैं। अब ये लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन ये सही है कि इंदौर ज़िले में जो पंचायत के लिए जितने भी पद हैं, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच पद के लिए कोई भी नामिनेशन पेपर नहीं आया है, तो आज उम्मीद है कि नॉमिनेशन पेपर आएंगे। 17 पद हैं जिला पंचायत सदस्य के लिए और 4 जनपद पंचायतों में 25-25 के बांध से 100 पद हैं जनपद सदस्यों के। 331 पदों के लिए सरपंच पदों के लिए चुनाव हो रहे हैं और 4400 के लगभग पंच पद पर निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ऐलान के बाद पंचायत क्षेत्र के लिए आचार संहिता लागू हो गई। आपको बता दें कि आचार संहिता लागू होते ही बेटमा थाना प्रभारी संजय शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। थाना प्रभारी संजय शर्मा ने बताया कि बेटमा थाना क्षेत्रों में 108 पोलिंग बूथ हैं, उनसे प्रतिभूति की राशि भी जमा करवाई गई। इसके अलावा यह भी देखा गया कि पिछले चुनाव में किस क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, ऐसी जगहों को चिन्हित कर वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। थाना बेटमा क्षेत्र अंतर्गत 37 पंचायतों में 108 मतदान केंद्रों के मतदान होना है। वर्तमान में त्रिस्तरीय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सभी मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन, वहाँ व्यवस्था एवं जो भी असामाजिक तत्व हैं उनकी लिस्टिंग, उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई हेतु कार्य योजना तैयार की गई है, जिसका 100% पालन कराया जाएगा और आदर्श आचार संहिता का पालन कराया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने सोमवार को सिविल सर्विसेज 2021 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस बार मध्य प्रदेश के परीक्षार्थियों ने देश भर में अपना परचम लहराया है। उज्जैन के ऐश्वर्य वर्मा ने जहां पूरे देश में चौथी रैंक हासिल की, वहीं इंदौर के उत्कर्ष द्विवेदी ने 5वीं रैंक हासिल की। संघ लोक सेवा आयोग के रिजल्ट जारी हो गए हैं, जिसके बाद प्रदेश में खुशी की लहर छा गई। प्रदेश के कई छात्रों ने ऑल इंडिया रैंकिंग में अपना स्थान बनाया है। इंदौर की श्रद्धा गोमे ने ऑल इंडिया में 60वीं रैंक हासिल की। उनकी इस सफलता पर पूरा परिवार बहुत खुश है। श्रद्धा ने अपने पहले ही अटेम्प्ट में ये सफलता हासिल की। श्रद्धा की इस सफलता की देश भर में चर्चा है। इसके पीछे की वजह है कि उन्होंने बिना किसी कोचिंग किए यह सफलता पाई है। उन्होंने बताया कि वह बहुत लगन और ध्यान से पढ़ाई करती थी और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करती थी। उन्होंने ये भी कहा कि कोविड का समय सभी के लिए बहुत कष्ट और तनाव वाला रहा, लेकिन उन्होंने इस समय को तैयारियों में लगाया। सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर भी उन्होंने कहा कि अति सभी की हानिकारक होती है। बता दें कि श्रद्धा के अलावा इंदौर की अनन्या अवस्थी को 135वीं रैंक हासिल हुई है। अनन्या ने दूसरी बार UPSC में सफलता का झंडा फहराया। इससे पहले सिविल सर्विसेज परीक्षा 2019 में भी अनन्या 335वीं रैंक के साथ चयनित हो चुकी हैं। तब उन्हें भारतीय रेल सेवा मिली थी। बहुत खुश हैं और ईश्वर और पेरेंट्स का धन्यवाद करना चाहेंगे। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फाइनली अपने सपने को साकार कर चुकी हूँ। एडमिक्स में मेरी रुचि बचपन से ही है, चाहे वो 10th हो, 12th हो या कॉलेज रहा हो। बट मेहनत का मैं यही कहना चाहूँगी कि लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप जिस भी फील्ड में जो भी प्रयास करना चाहते हैं उसमें मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ ही में एक लक्ष्य बनाना और उस लक्ष्य के प्रति डेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो अगर आप का लक्ष्य है, आप डेडिकेटेड हो और आप हार्डवर्क कर रहे हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। इंदौर में महिला कांग्रेस की नवनियुक्त शहर अध्यक्ष जया तिवारी ने मंगलवार को पदभार ग्रहण किया। ढोल और बाजे गाजे के साथ पदभार ग्रहण करने पहुंची जया तिवारी ने कहा कि वह अब हर वार्ड में महिलाओं से संपर्क करके कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने संगठन स्तर पर कई बदलाव किए। इंदौर की महिला कांग्रेस के अध्यक्ष पद जया तिवारी को नियुक्त किया गया है, जिसके बाद मंगलवार को जया तिवारी ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने से पहले जया तिवारी अहिल्या प्रतिमा पहुंची और माल्यार्पण के बाद गांधी भवन पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। बाजे गाजे के साथ गांधी भवन पहुंची जया तिवारी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता पार्टी को मजबूत करने की रहेगी। जया तिवारी ने यह भी कहा कि सही मायने में कांग्रेस ही हिंदुओं की पार्टी है। पदभार ग्रहण करने के बाद जया तिवारी अब हर वार्ड में बैठक कर
महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के अभियान को शुरू करेगी। मैं यही कहना चाहूंगी कि आज माँ अहिल्या के पावन जन्म उत्सव के दिन आज मुझे ये पद ग्रहण मिल रहा है। मैं पूरी निष्ठा और पूरे विश्वास से ये कहती हूँ कि मैं जो कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों ने और जो कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर एक विश्वास दिखाया, उस विश्वास में मैं खरी उतरूंगी और पूरी मातृशक्तियों का मुझ पर आशीर्वाद इसीलिए बना रहे हमेशा। और ये मेरा पद नहीं है, मेरी पूरी मातृशक्ति की जीत है, इसलिए मैं सभी, ये मेरा अकेली का पद नहीं, पूरी मातृशक्ति का पद है। बालाघाट के दो युवाओं ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2021 में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। इस सफलता पर युवाओं के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया और परिवार में जश्न का माहौल है। बालाघाट के ग्राम झालीवाड़ा के मूल निवासी एवं सहायक संचालक उद्यान बालाघाट सीबी देशमुख के सुपुत्र राहुल देशमुख ने यूपीएससी परीक्षा में 349वीं रैंक हासिल की। इसी प्रकार वारासिवनी निवासी और बैतूल जिले से सेवानिवृत्त संयुक्त कलेक्टर ज्ञानीराम पटले के पुत्र आदित्य पटले ने इस परीक्षा में 375वीं रैंक हासिल की। बालाघाट जिले के इन युवाओं ने इस महत्वपूर्ण परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया है। यह दोनों युवा इस सफलता के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत व आदर्श बन गए हैं। राहुल देशमुख ने पांचवी बार में यह सफलता हासिल की। राहुल ने सफलता का श्रेय अपने परिजनों को देते हुए कहा कि वह इस चयन से खुश हैं और स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। ये जर्नी काफी पहले शुरू हुई 2015 में जब मैं पास आउट हुआ और उसके बाद मैं 2 साल काम किया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में और उसके बाद मैं रिजाइन करके फुल टाइम प्रिपरेशन शुरू करा और कहीं ना कहीं मेरे अंदर विजन था कि लोगों को सर्व करना है और जो लोग मुख्य प्रॉब्लम फेस करते हैं अपनी दैनिक जीवनों में उसके लिए काम करना है। तो ये मेरा मोटिवेशन बना रहा, इसमें फाइट करती, ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट है और तीसरा इंटरव्यू था सिविल सर्विसेज में। बागली तहसील के ग्राम भमोरी में शनि जयंती के अवसर पर शनिदेव मंदिर का निर्माण कर भगवान शनिदेव की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान ग्राम भमोरी में विशाल चल समारोह निकाला गया। सोमवार के दिन शनिचरी अमावस्या के उपलक्ष्य पर महायज्ञ के साथ शनि मंदिर में शनिदेव की प्रतिमा की विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्र के ग्रामीण उपस्थित रहे, जहां बागली क्षेत्र में एकमात्र शनिदेव का मंदिर स्थापित हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। इसी अवसर पर श्री खाटू श्याम के कीर्तन का आयोजन किया गया। इंदौर निवासी तिवारी परिवार के सदस्यों ने बताया कि यहां पर क्षेत्र के लोगों के सहयोग से भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मेरे को इस ग्राम भमोरी खाटू के मंदिर बनाने की जगह भी मिली, उस मंदिर की भी मिली थी, लेकिन श्री महाराज की कृपा से मेरे को पंप भी मिल गया। तो पंप का काम खत्म होते ही मैंने मंदिर का निर्माण कार्य चालू करा। तो सार्वजनिक मंदिर है हर किसी के लिए और मेरा उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार गुरुद्वारे में भंडारा चलता है उसी प्रकार इस मंदिर का हर शनिवार को भंडारा। क्या क्या आयोजन यहाँ पर किए गए हैं 2 दिनों में? 2 दिन में सुंदरकांड किया गया रोड और उसके बाद हिमाचली का कार्यक्रम था और 2 दिन भंडारे भी थे सुबह और शाम में और आज मुख्य भंडारा आज। इंदौर के पोस्ट ऑफिस में जल्द ही एक विशेष पार्सल काउंटर शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद अब डाक विभाग से पार्सल भेजने वालों को पैकेजिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि डाक विभाग खुद के नाम मात्र शुल्क पर पार्सल की पैकिंग मटेरियल उपलब्ध करवाएगा। दरअसल डाक विभाग के द्वारा जल्द ही अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सुविधा में बढ़ोतरी करने वाला है, जिसके तहत डाक विभाग में जल्द ही एक नए पार्सल पैकेजिंग काउंटर की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद डाक विभाग से पार्सल सुविधा लेने वाले ग्राहकों को पैकेजिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डाक विभाग खुद ही नाम मात्र शुल्क पर पार्सल को नियमों के मुताबिक पैकिंग सुविधा मुहैया करवाएगा। विभाग के अधिकारी का कहना है कि जिस तरह से विश्व परिदृश्य बदल रहा है, उसी तरह से डाक विभाग भी अपनी सुविधाओं में बदलाव कर रहा है, जिसके तहत यह काउंटर शुरू किया जा रहा है। वहीं फिलहाल इसके शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन यह सुविधा शुरू होने के साथ ही इसके शुल्क को भी तय कर लिया जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विश्व परिदृश्य पूरी तरह से बदल रहा है, इसी प्रकार हर प्रकार की सेवाएं सुविधाएं भी बदलाव ले रही हैं। डाक विभाग ने भी इस परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों की जो मांग या ग्राहकों की सुविधा के लिए एक
पार्सल पैकेजिंग यूनिट अतिशीघ्र हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी ग्राहक या जो भी सेंडर अपना पार्सल भेजना चाहे वो हमारे यहाँ पे अपना पार्सल लेके आ जाए, हम उसको पैकिंग के लिए पूरा मटेरियल उपलब्ध कराएंगे और हमारी पैकिंग के माध्यम से उसको सिक्योर्ड पैकिंग रहेगी और जिस माध्यम से उसका हम प्रेषण कर पाएंगे। अभी चूंकि ये प्रारंभिक स्तर पे है तो शीघ्र ही इसका दरें निर्धारित की जा रही है, विभाग उस पर कार्य कर रहा है, जैसे ही दरें निर्धारित होती है ये योजना प्रारंभ कर दी जाएगी। विधानसभा करेरा के ग्राम वीरपुर ग्राम में खाती बाबा के मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि यात्रा गांव की परिक्रमा करते हुए कथा स्थल सिराधने बाबा के मंदिर पर पहुंची। कलश यात्रा में महिलाएं व पुरुष सिर पर कलश रखकर व मुख्य यजमान अजीत सिंह गुर्जर सिर पर पोथी रखकर कथास्थल पहुंचे। विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश स्थापित किए। कथावाचक नंदकिशोर शास्त्री ने बताया कि कथा प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।